नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? लिंक लिस्ट बोलते हैं। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके पहले मतलब लिंक लिस्ट जो आया ना वो क्यों आया वो भी बोलता हूँ। हम लोग ने जो अरे पढ़ा है वो क्या है? उसका साइज क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसको बड़ा कर सकते हैं क्या? छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। ये अरे का डिसएडवांटेज है। ये अरे का क्या है? लिंक लिस्ट ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। लिस्ट ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। यहाँ पे अगर मुझे नया एलिमेंट डालना है ना मैं कभी भी डाल सकता हूँ, और कोई भी एलिमेंट निकालना है तो भी कभी भी निकाल सकता हूँ। इसका इसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसका साइज क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये क्या है? इंक्रीज जो है वो क्या है? इंक्रीज जो है वो क्या है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है वो? यहाँ पे ये जो लिंक लिस्ट है वो कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेटा इंसर्ट और डिलीट कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे डेटा इंसर्ट डिलीट कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। कैसे करने का वो अपन आगे देखेंगे। समझ में आया क्या? यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। अगर मैंने 10 का साइज बोला तो अरे में कितना वैल्यू स्टोर होगा? 10, 11 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ सकता है क्या? लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट बढ़ सकता है, हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा फायदा है। तो जहाँ पे भी तुमको लगता है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं, तो उसके केस में क्या यूज करोगे? अरे यूज करोगे क्या? क्यों नहीं यूज करोगे? अरे का साइज फिक्स है, लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं है। लिंक लिस्ट उतना ही जगह लेगा जितना जरूरत है। अरे कितना जगह लेगा? अगर समझो तुम लोग ने 1 करोड़ का अरे बनाया तो उसके अंदर जगह कितना एलोकेट होगा? 1 करोड़ का वैल्यू उसमें 10 डाला तुमने, वैल्यू उसमें 10 डाला, फिर भी जगह कितना एलोकेट होगा? 1 करोड़ का, है कि नहीं? इसके केस में ये नहीं होगा। ना यूज करोगे उतना ही जगह जाएगा। समझ में आया क्या? ये एडवांटेज है। इसका एडवांटेज है ये लिंक लिस्ट का। लिस्ट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। उसका साइज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। वो फिक्स साइज नहीं है। यहाँ पे डेटा इंसर्ट और डिलीट कहीं पे भी हो सकता है। ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। इन कॉन्ट्रास्ट टू फिक्स साइज इन अरे, लिस्ट कैन बी एलोकेटेड मेमोरी टू डेटा एलिमेंट एट द रन टाइम। यहाँ पे अरे में क्या होता है? तो डेटा जो उसका साइज है वो क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है ना। पर लिंक लिस्ट के केस में मैं कभी भी उसको मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ, उसका साइज बढ़ा सकता हूँ। समझा क्या? ये डाउट है क्या? आगे बढ़ते। लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ नोड दैट आर डायनेमिकली क्रिएटेड बाय एलोकेटिंग अ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। तो लिंक लिस्ट में क्या रहता है? एक नोड रहता है। लिंक लिस्ट में क्या रहता है? एक नोड रहता है। एक नोड के अंदर दो पार्ट रहते हैं। लिंक लिस्ट में एक नोड रहता है। एक नोड के अंदर कितने पार्ट रहते हैं? दो पार्ट। पहले पार्ट में क्या रहता है? डेटा। दूसरे पार्ट में क्या रहता है? पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। क्या पहले पार्ट में क्या रहता है? डेटा। दूसरे पार्ट में क्या रहता है? पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। समझा क्या? ये लिंक लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो किसके अंदर जाता है? नोड के अंदर। नोड के अंदर कितने पार्ट रहते हैं? सब लोग बोलो और सब बोलो। दो पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट क्या रहता है? डेटा। दूसरा पार्ट क्या रहता है? पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। समझा क्या बच्चों ये? और इसमें जो डेटा मेमोरी एलोकेशन है वो डायनेमिक हो सकता है, इसलिए इसका साइज क्या हो सकता है? बढ़िया कम सकता है अपने हिसाब से, जैसा हमको चाहिए वैसा। नोड हैज टू पार्ट। पहला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डेटा। दूसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। यही मैंने बोला। अभी ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो 12 क्या है? अभी ये जो 29 है, ये पहला वैल्यू है। इसका नेक्स्ट क्या रहेगा कल। ये वाले का नेक्स्ट क्या रहेगा 29। इसका नेक्स्ट क्या रहेगा? समझ में आया क्या? ये इस तरीके से डेटा स्टोर होता है किसके अंदर? लिंक लिस्ट में। कैसे? किसके अंदर? लिंक लिस्ट में। जब भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक हो, तो उसके केस में मुझे इम्प्लीमेंटेशन किससे करना होगा? लिंक लिस्ट से। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा एलिमेंट्स हो उनका साइज बढ़ सके या कम हो सके, तो उसके केस में मैं क्या यूज़ करेगा? लिंक लिस्ट यूज़ करेगा। जब भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा एलिमेंट्स हो वो फिक्स साइज का हो,
तो मैं क्या यूज करेगा उसके केस में, अरे यूज करेगा। तो स्टैक और क्यू, या स्टैक और क्यू जो हम लोग ने पढ़ा ना, वो हम लोग दोनों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। स्टैक को अगर मैंने अरे से इम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, स्टैक अरे से इम्प्लीमेंट किया स्टैक को, तो स्टैक क्या हो जाएगा फिक्स साइज का। स्टैक को मैंने लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया तो लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा वेरिएबल साइज का, उसका साइज बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है, समझा क्या। सेम क्यू के लिए भी, क्यू को अगर मैंने अरे से इम्प्लीमेंट किया तो क्यू क्या हो जाएगा फिक्स साइज का, क्या हो जाएगा क्यू फिक्स साइज का। अगर क्यू को मैंने किससे इम्प्लीमेंट किया लिस्ट से, तो वो क्या हो जाएगा वेरिएबल साइज का, क्या हो जाएगा वो उसका साइज बढ़ सकता है। ये हम लोग डेप्थ में देखेंगे आगे, ये हम लोग डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल के लिए तुम लोग को क्या याद रखना है, तो को चार पॉइंट याद रखना है लिंक लिस्ट का, कौन सा लिंक लिस्ट के अंदर डेटा में एक कोड के अंदर दो पार्ट क्या क्या रहता है, डेटा और पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। और ये जो लिंक लिस्ट है, ये जो लिंक लिस्ट है, ये जो वैल्यू स्टोर करता है वो किसके अंदर स्टोर करता है, डेटा पार्ट में। और पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड क्या रहता है, एड्रेस किसका रहता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट होता है ना।